देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं, ठीक है, छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव, छोटी मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के कहां बनती हैं? अब देखो मोस्टली जो आपके फंजाई होते हैं, फंजाई समझते हो, फंगी, ठीक है, फंगी फंगी जो भी आप बोलो, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए यहां पे, राइजोबस, ठीक है, क्या होगा, जैसे अपने सीड्स होते हैं, प्लांट देखें, प्लांट के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, प्लांट्स में क्या फॉर्म होते हैं, सीड्स, ठीक है, वो भी सीड भी क्या है, उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सीड क्या है, जैसे अपने सीड को क्या करेंगे, सो करके जर्मिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा प्लांट बना देगा, वही सेम यहां पे है, क्या ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, स्पोर है, स्पोर किसी जाके जगह पे जाके क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह मिलेगा तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाता है, और जर्मिनेट करके क्या बना देता है, पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाता है वहां पे, समझ आया, बस फर्क क्या है, सीड जो, हाँ जी बिल्कुल, सीड जो है आप जमीन में उसको जब सो करते हो तो क्या देते हो, उसको पानी देते हो, है कि तू पानी पी, गिलास से पानी मिलाते हो, आप सॉइल के अंदर पानी देते हो ना, तो सॉइल उसके लिए क्या है, एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में आप उसको क्या दे रहे हो, मॉइस्चर दे रहे हो, मॉइस्चर मिलेगा ना सीड को, न्यूट्रिशन भी गेन करेगा वो, करेगा ना, तो वाटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सीड के लिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो मिलेंगे तो क्या होगा, वो जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये स्पोर्स होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, सीड्स जो प्लांट जो बनता है सीड से, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये क्या है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, क्लियर, सिंगल पेरेंट बना रहा है और वही क्या कर देगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, वो स्पोर कहीं भी जाएगा तो क्या कर देगा, जर्मिनेट करके ऑर्गेनिज्म बना देगा, तो टू पेरेंट्स की नीड पड़ी क्या, नहीं, लेकिन सीड के फॉर्मेशन में टू पेरेंट्स की नीड पड़ती है, सुना होगा आपने पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन और एग सेल मिलेगी तो सीड बनता है, समझ गए, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पड़ेंगे, अभी नेक्स्ट ए सेक्शन में क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती है स्पोर, और स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, आप देखो आपने ये डायग्राम तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, स्पोर एंजियम, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, ये डायग्राम भी नहीं पढ़ा कभी, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा, अब ये मत कहना कि आपके सेवन्थ या एट्थ क्लास के अंदर वो रिप्रोडक्शन नहीं आया, आया हुआ है, वहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ होगा, डेफिनेटली बना होगा, नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बनाओ,
मैं ये बस सिंपल ही बनाया, बिल्कुल बस बना लो इसको। ये क्या है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है? अच्छा ये बताओ राइजोपस की मेन बॉडी कहाँ पे है? हाँ थैलस बॉडी, राइजोपस की मेन बॉडी है कहाँ पे? यहाँ पे ये है, ये है, ये है, क्या है? बेटा नीचे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, आपको पता है थैलस बॉडी होती है, ठीक है? थैलस बॉडी क्या होती है? इसमें रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं होता, राइट? तो ये देखो ये रहा, ये राइजोपस की क्या है, मेन बॉडी है, जिसको अपने क्या कह देते हैं, हाइफी, हाइफा बोल देते हैं, सुना होगा। थ्रेड लाइक बॉडी लिख लो, थ्रेड लाइक बॉडी होती है जिसको हाइफी बोलते हैं, ये राइजोपस की मेन बॉडी है। अब ये देखो मेन बॉडी से निकला है भाई, मेन बॉडी से निकली हुई चीज है ये, आप इसको मेन बॉडी मत देखो, यहाँ इसको देखो मेन बॉडी, तो ये मेन बॉडी से निकली हुई है, देखो। नहीं समझ आया? चलो पूरा लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो लिखो। राइजोपस बॉडी एग्जाम्पल लिखो, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है स्पोर फॉर्मेशन का, राइजोपस लिखो आगे, राइजोपस इसके आगे ब्रैकेट में डाल देना, आपको पता चल जाए इट्स अ फंगस, ठीक है? अब लिखो राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ, राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफा, स्पेलिंग है HYPHAE। हाइफा, द इरेक्ट हाइफा, द इरेक्ट हाइफा, द इरेक्ट हाइफा बियर, बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, सिंगल को स्पोरेंजिया कह देते हैं, ठीक है? सिंगल को स्पोरेंजिया, प्लूरल को स्पोरेंजियम बोल दिया, ठीक है? जो भी है स्पोरेंजिया, inside, inside which reproductive structures hypha bear sporangia, inside which reproductive structures called spores are formed, spores are formed।
स्पोर्स, ये देखो ये स्पोरेंजिया होती है, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है जिनको हमने क्या कहते हैं स्पोर्स, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपकी स्पोरेंजिया बस्ट करेगी, बस्ट करते क्या होगा, आपके सारे के सारे स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे, समझ गए। और डिस्पर्स होने के बाद में जहां जहां पहुंचेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, ये जाके जर्मिनेट करते हैं, क्लियर। अब देखो जर्मिनेट करने का मतलब बाय एयर मूव कर सकते हैं ये, बाय वाटर कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पे भी जाएंगे वहां पे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो वहां पे जर्मिनेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। आगे लिखो, स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज, स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल, हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम्स, and help to tide 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 over the unfavorable environment conditions. When the spores fall on a suitable medium, tide over the unfavorable conditions. मतलब unfavorable condition से क्या है, देखो unfavorable conditions जो होती है वो तब पड़े रहते हैं ये, ठीक है। और जब इनको favorable मिलेगी तब ये क्या करेंगे, germinate करके organism produce कर देते हैं। When the spores fall on a suitable medium, या suitable medium, each one forms a new individual. समझ आया, क्या समझे? ठीक है, तो मेन बॉडी क्या है इसकी, ये थ्रेड लाइक जो बॉडी होती है इसकी मेन बॉडी होती है, जैसे अपनी है ना ये बॉडी, जैसे प्लांट की क्या होती है रूट लीव्स स्टेम वगैरह होती है, वैसे इनकी मेन बॉडी क्या है, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। उससे क्या है, एक रिप्रोडक्टिव जो फॉर्मेशन करने वाली क्या स्पोरेंजिया होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या है स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैच्योर होंगे ये ब्रश करेंगे, स्पोर्स कहाँ जाके गिरेंगे, जिस भी जगह पे जाके गिरेंगे तो देखो यार ये स्पोर्स क्या है थाउजेंड्स नंबर में क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, लेकिन क्या सारे बन जाते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हो जाएगा क्या, नहीं होगा, आज वो जो डाउट था ना उसकी वजह से मेरे को लगता है टॉपिक से भी, टॉपिक पे भी मन नहीं बनता, नहीं बन रहा ना उसको, तो खुद को आलस आने लग गया था। चलो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना है,